तो गाइस आज कोई टेक न्यूज या कोई अदर्स अर्निंग जो एप्लीकेशन है, रेगुलरली मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ कोई उसका वीडियो नहीं है। ये वीडियो कुछ अलग सा वीडियो है जो अभी फिलहाल चल रहा है, जो कोरोना वायरस तो उसी के बारे में वीडियो है। इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मोटिवेशन देने का वीडियो है। जो कोरोना वायरस अभी चारों तरफ फैल रहा है, तो आप लोगों को ये सब जो कोरोना वायरस की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान देना है। जो आप लोगों को बहुत लोग क्या करता है, जो कोरोना वायरस का मतलब शिकार हो जाता है, तो उसका क्या उपाय है, क्या रीजन है, किस तरह आप कोरोना वायरस से आप लोग भी बचो और दूसरे को भी बचाओ, तो किसी तरह क्या क्या करने से आप बच सकते हो। तो सभी को पता है कोरोना वायरस के लिए सभी मास्क यूज करता है, तो बहुत लोग ऐसे होंगे मास्क नहीं यूज नहीं करता है, बातों से उसको हटा देता है जो मास्क कैसे यूज करना है, क्यों यूज करना है, वो आएगा तो आएगा। तो दोस्तों ये बात पूरा गलत है। आप में से कोई भी किसी को भी कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हो, तो इसीलिए आप लोगों को पहले से ध्यान रखना चाहिए, अपना हेल्थ का ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए। उसके बाद आपका घर का नजदीकी में या गाँव का नजदीकी में कोई बंदा अगर बाहर से काम करके आ रहा है, तो उसको मतलब घर से बाहर निकलने मत देना, क्योंकि बाहर से ज्यादा जो कोरोना वायरस है बाहर से ही ज्यादा आ रहा है। तो ये सब बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद जो मोदी सर ने बताया, कल को 7 बजे से रात को 9 बजे तक आप लोगों को घर में रहना चाहिए, घर से बाहर मत निकलो, क्योंकि जो बताया मोदी सर ने, ये कुछ बताने का कुछ दूसरा रीजन होगा दूसरा कुछ रीजन होगा। तो इसके लिए ये सब बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो चारों तरफ फैल रहा है। इससे आप बचो, दूसरे को भी बचाओ, खुद बचाओ, दूसरे को भी बचाओ, खुद सेफ्टी में रहना चाहिए। तो कल को क्या करना है आप लोगों को, सुबह सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे का अंदर में आप लोगों को घर से निकलना मत, घर में रहना है। जिसका बहुत जरूरी काम होगा या जरूरी काम है, उसका डेली काम है, तो वो काम वो कर सकता है, लेकिन जिसका कोई काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम है, वो काम रख के भी आपका एक दिन रख के भी नेक्स्ट डे आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप लोगों को ये सब बात ध्यान में रखना चाहिए। अगर बाहर से, फिर से मैं बता रहा हूँ, बाहर से कोई बंदा अगर बाहर से काम करके आ रहा है, तो उससे मिलो मत, या दूसरा कोई आदमी को घर में आने मत देना अभी फिलहाल में। ये सब रोकने के लिए ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और मास्क यूज करना। उसके बाद जिसका ज्यादा मतलब 2-3 दिन बुखार हो रहा है या खांसी हो रहा है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी जाके ट्रीटमेंट, इलाज के लिए, चेकअप के लिए लेके जाओ, चेकअप करवाओ, हो सकता है उसका भी कोरोना वायरस ना आ जाए। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। तो जस्ट इस वीडियो में आप लोगों को कुछ मोटिवेशन करना था, छोटा सा वीडियो था, आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिला है। तो एक और एक बात बताता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सभी को मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए आपके लिए इतना ही, तब तक के लिए ठीक है, ध्यान में रखना।